बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाई जुराज की, तीनों पूरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद, परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 11वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चर्चनी विषय प्रसंग में अब तक हमने परमधाम के अंदर यानी चर्चनी विषय के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रासंगिक भूमिका के विषय में कुछ चर्चा किया, और उसके साथ साथ में विशेष करके कल हम परमधाम के अंदर का विषय वस्तु प्रारंभ कर रहे थे, जिसमें 25 पक्ष परमधाम का नाम और डायरेक्शन और रंग महल का 7 परिक्रमा, ये 3 पॉइंट के ऊपर हमने शब्दावली का ज्ञान लिया, चर्चा किया अथवा वो नोट भी किया है, और मुझे आशा है ये सब आप सभी ने याद करके आए हैं। कल ही मैंने कहा था ये शुरुआती अवस्था में ये सारे शब्दावली याद करना ही होता है, उसके बिना वो नक्शा दिल दिमाग में उतरता नहीं, और शुरू से ही दिल दिमाग में नक्शा नहीं उतरा तो फिर विषय वस्तु कठिन जैसा लगता है और आगे जा करके बहुत ही समस्या खड़ा होता है। तो कल का ही विषय वस्तु को मैं एक बार फटाफट रिकैप करा देता हूँ, और उसके बाद वही शब्दावली को आज हम नक्शा के माध्यम से देखेंगे, फिर नया विषय वस्तु प्रसंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे 25 पक्ष परम धाम कहा, तो सर्वप्रथम 25 पक्ष का नाम, धाम तालाब कुंज बन जो है, माणिक नहरे बन की सो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लये, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, ये चौपाई के द्वारा हुआ। और धाम का अर्थ रंगमहल, तालाब मतलब हौज गसर तालाब, कुंजवन मतलब कुंजनी कुंजवन, माणिक मतलब माणिक पहाड़, नहरे बनकी मतलब बनकी नहर, पश्चिम चौगान पश्चिम चौगान, बड़ोवन बड़ोवन ही हुआ, पुखराज जी पुखराज पर्वत, जमुना जी श्री जमुना जी, ये 9 पक्ष हुआ। उसके बाद आठों सागर आठ जिमी, यानी कि 8 सागर और 8 जिमी, ये 8 8 16 हुआ, तो 9 8 8 ये 25 पक्ष परमधाम हुआ। और 8 सागर के विषय में भी प्राण्य जी के चौपाई के द्वारा ही हम चर्चा कर रहे थे, नूर नीर क्षीर दधि सागर, घृत मधु एक ठौर, रस सर्वरस सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। तो ये चौपाई के अंदर 8 सागरों के नाम है,
नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर और सर्वरस सागर। उसके पश्चात हमने दूसरे पॉइंट में डायरेक्शन यानी कि दिशा के विषय में बात किया। तो दिशा सीधा परिक्रमा के हिसाब से आठवों दिशा को अगर कहे तो हम जैसे पूर्व दिशा में खड़ा हो तो यहाँ से परिक्रमा करते समय सर्वप्रथम पूर्व दिशा से अग्निकोण, उसके बाद फिर दक्षिण दिशा, वहाँ से फिर नैऋत्य कोण, फिर पश्चिम दिशा, फिर वाहिव्य कोण, फिर उत्तर दिशा, फिर ईशान कोण, फिर पूर्व दिशा। तो इस तरह से ये आठ दिशा के विषय में भी अच्छी तरह से जानकारी होना होता है। और इसके पश्चात फिर तीसरे पॉइंट में हम चर्चा कर रहे थे 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा परमधाम है। परमधाम के मध्य भाग में रंग महल है। ये रंग महल को चारों तरफ से घेर करके 7 परिक्रमा है। तो 7 परिक्रमा जैसे रंग महल की तरफ से बाहर जाते समय पहला परिक्रमा पूर्व में चांदनी चौक, दक्षिण में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फुलबाग नूरबाग, उत्तर में लाल चबूतरा खड़ोकली ताड़वन। दूसरी परिक्रमा पूर्व में 7 घाट जमुना जी अक्षरधाम, दक्षिण में कुंज निकुंज वन हाउज कसर तलाव 24 सांस का महल, पश्चिम में अन्न वन दुबदुलीचा पश्चिम चौगान, उत्तर में बड़ोवन मधुवन महावन पुखराज जी, फिर पूर्व में आते समय वही 7 घाट जमुना जी अक्षरधाम हुआ। तो ये दूसरी परिक्रमा है। उसके बाद तीसरी परिक्रमा जवेरों की नहर ने चारों तरफ से घेरा है, इसलिए तीसरी परिक्रमा में जवेरों की नहर। चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़ का हद, पांचवी परिक्रमा बन की नहर, छठी परिक्रमा छोटी रांग जिसे चार हार हवेली भी कहते हैं, और सातवीं परिक्रमा बड़ी रांग। बड़ी रांग में 8 सागर तथा 8 जिमी है। तो इस तरह से 25 पक्षे का नाम, 8 दिशा और रंग महल का 7 परिक्रमा। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। अब यही विषय को आज हम नक्शा के माध्यम से दर्शन करेंगे। तो अब देखिए ये नक्शा जो सामने में दिखाई दे रहा है ये 25 पक्षे परमधाम का नक्शा है। एक झलक में परमधाम ये है। हम जितने भी चर्चनीय विषय के अंदर परमधाम विषय प्रसंग अध्ययन करेंगे एक झलक में देखते समय ये परमधाम का पूर्ण रूप हुआ। अब इसी के अंदर 25 पक्षे है, इसी में 8 दिशा को देखना है और इसी के अंदर रंग महल सहित 7 परिक्रमा है। तो कल जो हमने शब्द के विषय में चिंतन किया, अब आज उसी शब्द के आधार पर वो कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ पर है ये नक्शा के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो आइए। वैसे हमने पहला नंबर में चर्चा किया अथवा नोट किया है 25 पक्षे परमधाम का नाम, तो इसीलिए मैं यहाँ एक बार 25 पक्षे का लोकेशन तो बताऊंगा, परंतु एक ही बार यहाँ 25 पक्षे का लोकेशन बताने से दिमाग में बैठना मुश्किल होता है, इसीलिए एक बार बताने के बाद मैं विशेष जोड़ दे करके 7 परिक्रमा को दिल दिमाग में बिठाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद 25 पक्ष लोकेशन अपने आप पकड़ में आ जाता है। तो इसीलिए पहला देखिए एक बार 25 पक्ष, जैसे 25 पक्ष में पहला नंबर क्या कहा, धाम। धाम मतलब रंग महल। तो उसके लोकेशन के लिए हमने पहले ही कहा है ये पूरा परम धाम में मध्य केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट में रंग महल है। तो ये पूरा परम धाम हुआ, तो परम धाम का मध्य भाग ये जो है ये धाम यानी कि रंग महल है। नक्शा को ध्यान दे करके देखिए और साथ में दिल दिमाग में भी बिठाते जाइए, तो बाद में ये नक्शा सामने में न हो तो भी अपने हृदय के अंदर ही ये पूरा छाप बैठना पड़ता है। शुरू में नक्शा के द्वारा, शब्द के द्वारा उसको दिल दिमाग में बिठाने के बाद कहा ना, शब्द ब्रह्म के द्वारा स्वरूप ब्रह्म को जानना है। तो ये 25 पक्षे में से पहला पक्ष रंग महल हुआ। अब दूसरा तालाब, तालाब मतलब हाउस कस्टर तालाब।
तो हौज कोस्टर तालाब जो है ये रंगमहल का दक्षिण दिशा में ये हौज कोस्टर तालाब है। तीसरे नंबर में कुंजवन, मतलब कुंजनी कुंजवन, तो ये जो एरिया है कुंजनी कुंजवन है। और चौथी नंबर में माणिक पहाड़, तो ये लाल कलर में जो दिखाई दे रहा है ये माणिक पहाड़ है, ये चौथा पक्ष। और पांचवें नंबर में नहरे बनकी, मतलब बनकी नहर, ये पीला कलर का जो यहाँ नक्शा में दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ये बनकी नहर है, ये पांचवें पक्ष। उसके बाद छठी पक्ष में क्या बताया, पश्चिम चौगान। तो पश्चिम चौगान ये रंगमहल से पश्चिम दिशा में यहाँ पर एक खुला चौगान है जो पश्चिम चौगान, ये छठी नंबर में है। सातवें नंबर में बड़ो वन कहा, तो रंगमहल के उत्तर दिशा में यहाँ जो ये वन की शोभा है ये बड़ो वन है। इसमें बाद में बड़ो वन मधुवन महावन का विस्तार प्रसंग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी 25 पक्ष में से बड़ा वन करके जो आया है तो ये बड़ो वन है। उसके बाद आठवीं पक्ष में है पुखराज जी, तो ये बड़ो वन से भी उत्तर दिशा की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है ये पुखराज जी है। और नौवां नंबर में है जमुना जी, तो ये पुखराज जी से जमुना जी प्रकट होकर के ये हौज को सर तक जा मिली है, तो ये जमुना जी नौवां पक्ष हुआ। ठीक है, तो अब ये नौ पक्ष होने के बाद आठों सागर आठ जिमी के करके आठ सागर और आठ जिमी के विषय में बताया है। आठ सागर और आठ जिमी कहाँ है, इसके लिए कल ही हमने सात परिक्रमा का शब्द नोट करते समय चर्चा किया है। रंगमहल के सातवीं परिक्रमा सबसे बाहर जिसका नाम बड़ी रांग, तो बड़ी रांग में आठ सागर आठ जिमी है करके ये बात हमने कल ही चर्चा किया। तो उसी शब्द के हिसाब से देखें तो ये रंगमहल से सबसे बाहर ये बड़ी रांग है। इसको और खुलासा करके हम सात परिक्रमा के लोकेशन के हिसाब से नक्शा से देखते समय और चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए ये सबसे बाहर का एरिया ये बड़ी रांग है, तो ये बड़ी रांग में आठ सागर आठ जिमी है। ठीक है, लोकेशन मैं पहले बता रहा हूँ आठ सागर आठ जिमी का। अब उसमें भी बारीकी से देखें तो आठ सागर में नाम क्या क्या था, नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्वरस, ये आठ सागर का नाम हुआ। अब ये आठ सागर में ये नूर सागर है, अब यहाँ नूर सागर है, तो इसको सहज हिसाब से समझने के लिए ये दिशा के हिसाब से ये अग्निकोण है ना, तो यहाँ अग्निकोण में नूर सागर। उसके बाद परिक्रमा करके जब हम दक्षिण दिशा में पहुँचेंगे तो यहाँ नीर सागर दूसरा सागर है, फिर ये तीसरा सागर क्षीर सागर नैऋत्य कोण में, फिर पश्चिम दिशा में चौथा सागर दधि सागर, वाहव्य कोण में पांचवें सागर घृत सागर, और उत्तर दिशा में छठी सागर मधु सागर, ईशान कोण में सातवें सागर रस सागर, और पूर्व दिशा में आठवां सागर सर्वरस सागर। तो इस तरह से डायरेक्शन के प्रसंग में यानी कि दिशा के प्रसंग में जो आठ दिशा बताया है, तो परमधाम के सबसे बाहर बड़ी रांग में वही आठ दिशा में आठ सागर है। तो इस तरह से ये आठ सागर हुआ। और आठ जिमी करके बताया, तो आठ जिमी कहाँ है, एक सागर और दूसरा सागर के बीच में एक जिमी है। मतलब जैसे ये नूर सागर हुआ, ये नीर सागर हुआ, तो नूर सागर और नीर सागर के बीच में एक जमीन है। तो इसी तरह से ये नीर सागर ये क्षीर सागर, तो नीर सागर और क्षीर सागर के बीच में एक जमीन है, फिर ये क्षीर सागर और दधि सागर के बीच में एक जमीन, दधि सागर और घृत सागर के बीच में एक जमीन, घृत सागर और मधु सागर के बीच में एक जमीन, मधु सागर और रस सागर के बीच में एक जमीन, रस सागर और सर्वरस सागर के बीच में एक जमीन, फिर सर्वरस सागर और नूर सागर के बीच में एक जमीन। इस तरह से आठ सागर के बीच में ही आठ जिमी, मतलब इसका क्रम क्या हुआ, एक सागर एक जिमी, 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 एक सागर एक जिमी,
एक सागर एक जिमी, एक सागर एक जिमी, इस तरह से आठ सागर और आठ जिमी बड़ीरांग में है। तो ये एक सागर एक जिमी के क्रम से जो सागर और जमीन आया है, तो उसमें देखें तो जिस तरह से दो सागर के बीच में एक जमीन करके कहा, तो देखिए यहां एक सागर और एक सागर, ये दो सागर, तो दो सागर के बीच में एक जमीन है। तो इसी तरह से अब यहां जमीन, यहां सागर, यहां जमीन, तो देखिए तो यहां जमीन, यहां जमीन और बीच में सागर हुआ, तो दो जमीन के बीच में सागर भी हुआ ना। इसीलिए दो सागर के बीच में एक जमीन, दो जमीन के बीच में एक सागर, ये क्रम सागर और जमीन का है। इस तरह से बड़ीरांग में आठ सागर और आठ जिमी है। तो ये अंदर का नौ पक्ष और बाहर बड़ीरांग में आठ सागर और आठ जमीन सोलह पक्ष, ये सब मिलाकर के 25 पक्ष हुआ। ठीक है, तो ये 25 पक्ष का लोकेशन हमने देखा। फिर भी मैं कहता हूं एक बार इस तरह से देखाते समय, देखते समय दिल दिमाग में पूरी तरह से सेट नहीं हुआ हो तो भी अभी चिंता मत करिए। आगे जब सात परिक्रमा के विषय में हम यहां नक्शा से अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, वो दिल दिमाग में बैठने के बाद ये 25 पक्ष अपने आप दिल दिमाग में सेट होता है। इसीलिए अभी इतना देखा तो इतने ही अभी समझ के रखिए। अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं जो हमने कल नोट किया है। दूसरे पॉइंट में क्या था? डायरेक्शन, यानी कि दिशा। तो दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार दिशा, अथवा चार दिशा को परिक्रमा के हिसाब से कहे तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, फिर पूर्व, और कोण में अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण करके कहा, और फिर आठ दिशा को ही मिला करके भी हमने चर्चा किया है। तो इसको यहाँ नक्शा से देखें तो जैसे ये पूरा नक्शा में ये पूर्व दिशा हुआ, और ये पूर्व हुआ तो ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण, ये चार दिशा हुआ। अब इसको खाली चार दिशा को परिक्रमा के हिसाब से कहें तो पूर्व, ये दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, फिर पूर्व। ठीक है, अब चार कोण, तो चार कोण पूर्व और दक्षिण के बीच में एक कोण अग्नि कोण, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दूसरा कोण नैऋत्य कोण, पश्चिम और उत्तर के बीच में तीसरा कोण वायव्य कोण, उत्तर और पूर्व के बीच में चौथा कोण ईशान कोण कहा। तो चार कोण ही देखे तो अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ये हुआ। ठीक है, अब इसका अर्थ खाली ये नक्शा में बिल्कुल ये बाहरी किनार ही चार दिशा और चार कोण यानी कि आठ दिशा, ऐसी बात नहीं है। चलो मध्य ये रंग महल में आइए, ये सिर्फ रंग महल को ही देख करके हम चार दिशा चार कोण को अलग करें तो यहां रंग महल में, तो रंग महल का एरिया ये है, तो ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर, खाली चार दिशा के लिए मैं बोल रहा हूं, चार कोण, ये अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण। ठीक है, कोई भी जगह को अलग करके चार दिशा चार कोण को समझना होता है। अब फिर आइए बाहर, ये तो हमने चार दिशा चार कोण अलग अलग करके कहा, अब आठ दिशा को ही एक साथ में देखें परिक्रमा के हिसाब से। तो जैसे कहा यहां पूर्व से पहले अग्नि कोण, उसके बाद दक्षिण दिशा, फिर नैऋत्य कोण, फिर पश्चिम दिशा, फिर वायव्य कोण, फिर उत्तर दिशा, फिर ईशान कोण, फिर पूर्व दिशा, ये परिक्रमा के हिसाब से आठ दिशा हुआ। इसी को रंग महल के एरिया में खड़े होकर के परिक्रमा के हिसाब से आठ दिशा, इसका लोकेशन देखें तो ये पूर्व से अग्नि कोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा, वायव्य कोण,
उत्तर दिशा, ईशान कोण पूर्व दिशा, वही है। तो कहीं भी बाद में जाकर के हाउस कौसर का वर्णन होगा, तो हाउस कौसर में भी वही है, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। और इसमें भी कौन देखे तो अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान, चाहे पुखराज का वर्णन हो, तो सब तरफ ये आठ दिशा को अलग करके समझना होगा, ठीक है। तो ये हुआ डायरेक्शन, इसको भी दिल दिमाग में जहां तक मुझे विश्वास है अच्छी तरह से बिठा लिया है। अब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो कल ही नोट किया है, रंग महल की सात परिक्रमा। अब उसको यहां नक्शा से देखेंगे। तो जैसे कहा, ये पूरा परमधाम 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा है करके, पूर्व किनार से पश्चिम किनार तक, उत्तर किनार से दक्षिण किनार तक। अब इसके मध्य भाग में रंग महल है। अब ये रंग महल को चारों तरफ से घेर करके सात परिक्रमा है। शब्दावली हमें याद हो चुका है, अब भी बाकी है याद करना, तो मैं फिर भी बोल रहा हूं, इसको याद करना ही पड़ेगा। तो अब हम रंग महल का पहला परिक्रमा इसको यहां नक्शा से देखेंगे। तो पहला परिक्रमा में पूर्व दिशा में चांदनी चौक कहा, तो देखिए ये रंग महल, और पूर्व दिशा मतलब ये पूर्व दिशा, तो देखिए तो डायरेक्शन तुरंत आया कि नहीं आया। अब जिसको दिल दिमाग में डायरेक्शन यानी कि दिशा ही सेट नहीं हुआ है, अब शब्द आया रंग महल के पूर्व दिशा में चांदनी चौक है, रंग महल तो पता चला, अब पूर्व दिशा किधर है क्या पता, तो चांदनी चौक मतलब क्या पकड़ेंगे। तो रंग महल के पूर्व दिशा बोलते ही ये रंग महल, और पूर्व दिशा बोलते ही तुरंत इस तरफ ये पूर्व दिशा। यहाँ छोटा सा जो पीला कलर में ये दिखाई दे रहा है आपको, वहां से दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ देखिए यहाँ लाल वृक्ष और हरा वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, यहाँ छोटा सा, ये चांदनी चौक है। तो रंग महल का पहला परिक्रमा पूर्व दिशा में चांदनी चौक, तो ये पूर्व दिशा है, ये चांदनी चौक। अब दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी कहा, तो रंग महल का दक्षिण दिशा ये है, तो चांदनी चौक से परिक्रमा करते हुए आएंगे तो दक्षिण दिशा में यहां पर ये है बट पीपल की चौकी, ये काला काला और सफेद सफेद जो है ना, ये बट पीपल की चौकी है लोकेशन। अब यहां से हम चलते हैं पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम में क्या है, फूलबाग नूरबाग, तो यहां पर ये हरा कलर में जो लोकेशन है ये फूलबाग नूरबाग का लोकेशन है। यहां से फिर चलते हैं उत्तर दिशा की तरफ, तो उत्तर दिशा में तीन शब्द आया है, क्या क्या, लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़बन। तो इसमें देखिए पहले लाल चबूतरा, लाल मतलब लाल कलर का चबूतरा, ये लाल चबूतरा है, और खड़ोकली यहाँ नक्शा में अब सारा नक्शा नहीं दिखाई देता है, खड़ोकली का नक्शा यहाँ क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन ताड़बन ये सफेद रंग का जो है ये ताड़बन है। तो बाद में जब ताड़बन का प्रसंग विस्तृत वर्णन होगा तो उस समय में खड़ोकली का लोकेशन भी उसी के अंदर वर्णन किया है। तो अभी इतना बता के रख रहा हूं कि खड़ोकली जो है वो ताड़बन के अंदर ही है। अब खड़ोकली क्या है दिमाग में प्रश्न आना स्वाभाविक बात है, लेकिन वो क्या है आगे हम करेंगे ही, 25 पक्षे के अंदर जो कुछ भी आने वाला है कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी जो शब्दावली के हिसाब से जो एक लोकेशन को ही हम सेट कर रहे हैं, इसलिए उत्तर दिशा में कहा लाल चबूतरा, खड़ोकली का लोकेशन यही है, और ताड़बन। यहां से फिर जैसे आएंगे पूर्व में तो चांदनी चौक पहला परिक्रमा पूरा हुआ, ठीक है। अब मैं यहां से शब्द उच्चारण करूंगा, आपके दिल दिमाग में भी शब्द तो है ही, अब आपको यहां नक्शा में देखना होगा, क्योंकि सात परिक्रमा एक ही बार बताऊं तो फिर आपको पार्ट पार्ट करके दिल दिमाग में बिठाने में थोड़ा कठिन जैसा हो सकता है, इसलिए रंग महल दिखाया और एक परिक्रमा दिखाया,
तो यहीं पर आपको अभ्यास करा रहा हूं। अब देखिए मैं शब्द उच्चारण करूंगा, बिल्कुल आंख और वो दिल दिमाग में छाप, ये बैठना पड़ेगा। 25 पक्षे परमधाम का मध्य में रंग महल, देखिए नक्शा में, ठीक है। तो आप देखिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगा, तो आपने जो देखा वो सही है या नहीं है खुद अपने आप मूल्यांकन करिएगा। रंग महल, तो रंग महल मतलब ये है, ठीक है। अब ये रंग महल का 7 परिक्रमा में, पहला परिक्रमा पूर्व में चांदनी चौक, तो पूर्व में चांदनी चौक देखिए। अब आपने जो देखा वो सही है या नहीं मैं यहां से दिखाऊंगा तब मालूम पड़ेगा। पूर्व में मतलब ये रंग महल से पूर्व में चांदनी चौक ये है, ठीक है। अब दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, देखिए नक्शा में, देख लिया। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी ये है। पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, पश्चिम में फूलबाग नूरबाग ये है, ठीक है। आपको अपने दिमाग को एक्सरसाइज करने के लिए मैं करा रहा हूं, मैं ही फटाफट बताता जाऊं तो वो तो फिर कथा सुनने की तरह होती है। अब पश्चिम में फूलबाग नूरबाग भी हुआ, अब उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़बन। पहले लाल चबूतरा को देखिए, ये लाल चबूतरा, खड़ोकली, मैंने कहा हूं वहां नक्शा में क्लियर खड़ोकली नहीं दिखाई देता है, लेकिन खड़ोकली का लोकेशन बता दिया हूं ताड़बन में ही, तो ये ताड़बन हुआ और ये खड़ोकली का जगह है। तो लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़बन, फिर पूर्व में आए तो चांदनी चौक, ठीक है। तो रंग महल सहित एक परिक्रमा मैं विश्वास करता हूं दिल दिमाग में बैठ गया। बाद में वृत्ति वर्णन करते समय यही क्रम से वर्णन करेंगे, पहले रंग महल, नौ होम, दशमी, आकाशी, उसके पश्चात जैसे ही बाहर निकलेंगे तो पहले चांदनी चौक का वर्णन होगा, उसके बाद फिर बट पीपल की चौकी का वर्णन होगा, उसके बाद फिर फूलबाग नूरबाग का वर्णन होगा, उसके बाद फिर लाल चबूतरा का वर्णन, फिर ताड़बन और उसी में खड़ोकली का वर्णन, फिर वापस लौट करके चांदनी चौक में आएंगे, इसी क्रम से होगा, मैं अभी से ही बोल रहा हूं, तो तब सहज पड़े, तो उसके लिए अभी से ही दिल दिमाग में ये सारा छाप बिठाना है। मैंने कल भी बोला हूं ये 25 पक्षे का लोकेशन दिल दिमाग में बिठाने से लेकर के रंग महल का एक भोम खड़ा करने तक में पूरा मेहनत करना पड़ेगा। इतना कठिन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, शब्दावली को याद करना पड़ेगा और वो लोकेशन को दिल दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तब जा करके कुछ अंदर प्रकाश हो सकेगा। उसी के आधार पर ही आगे विस्तार होना होता है। कोई भी विषय का शुरू का एक बेसिक कोर्स होता है ना, तो ये 25 पक्षे का लोकेशन से लेकर के रंग महल का एक भूम खड़ा करने तक में बेसिक कोर्स है, ये वहीं पर बेस है, उसी के आधार पर ही आगे जाना होता है, ठीक। तो रंग महल और एक परिक्रमा तक को हमने नक्शा से देखा, अब चलते हैं दूसरी परिक्रमा में। तो दूसरी परिक्रमा पूर्व दिशा में शब्द क्या क्या है, 7 घाट, जमुना जी, अक्षरधाम, तो इसको अब यहां नक्शा से देखिए। तो दूसरी परिक्रमा कहने से पहला परिक्रमा से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, तब उसको देखें। तो जैसे रंग महल से पूर्व दिशा, डायरेक्शन तो क्लियर है ही, अब तो पहला नंबर कहा 7 घाट, तो देखिए 7 घाट, ये है 7 घाट, तो पहला परिक्रमा में चांदनी चौक ये था, अब उससे थोड़ा बाहर निकला ना तो 7 घाट ये हुआ। अब 7 घाट भी प्रसंग में आया तो नाम अगर थोड़ा सा बता ही दूं तो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, मैंने फटाफट बता दिया, अभी इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये बाद में आप न चाहने पर भी याद होगा ही होगा, वो तो गारंटी है। फिर भी अब 7 घाट करके कहा तो 7 घाट का नाम बता दिया, ये दूसरी परिक्रमा में, ये पूर्व में 7 घाट, फिर ये जमुना जी और ये अक्षरधाम, ठीक।
अब देखिए सात गांठ दिल दिमाग में बिठाने के लिए मैं रोक रोक करके बता रहा हूं। जमुना जी, अक्षरधाम, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी परिक्रमा का ही दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में शब्द क्या है? कुंजनी कुंज वन, हाउस कोस्टर तालाब, चौबीस रास का महल। तो ये देखिए नक्शा में, अब कुंजनी कुंज वन ये एरिया जो है, ये देखिए ना, ये कुंजनी कुंज वन है, ये दिखाई दे रहा है और चौक चौक टाइप का दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया पूरा कुंजनी कुंज वन है ये। और हाउस कोस्टर तालाब, तो ये जमुना जी जाकर के जहां पर मिली है ये हाउस कोस्टर तालाब है। और इससे भी दक्षिण दिशा में ये जो दिखाई दे रहा है ये चौबीस रास का महल है। इसका मतलब अच्छी तरह से देखिए तो कुंज निकुंज वन पूरा विस्तार रूप में है, और यही कुंज निकुंज वन के अंदर ही, उसी एरिया के अंदर ही ये हौज कोस्टर तालाब है और चौबीस रास का महल भी है। तब मैं शब्द बोलता हूं, आप वहां नक्शा में देखिए, दक्षिण दिशा में दूसरी परिक्रमा में कुंजनी कुंज वन देख लिए, हाउज कौशर तलाव, चौबीस रास का महल। फिर मैं फाइनल राउंड दिखा रहा हूं, अब आपने सही ही देखे होंगे, थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूज भी हो तो उसको क्लियर कर ही लीजिए। कुंजनी कुंज वन, हाउज कौशर तलाव, चौबीस रास का महल, क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरा परिक्रमा का ही पश्चिम दिशा में, दक्षिण से अब पश्चिम। पश्चिम में शब्द क्या है? अन्नबन, दुबदुलीचा, पश्चिम चौगान। तो इसको अब नक्शा से देखिए, अन्नबन ये पहले फुलबाग नूरबाग करके इसको कहा है, उसके बाद पश्चिम तरफ ये अन्नबन, ये दुबदुलीचा और ये पश्चिम चौगान, एक दो तीन है ना, अन्नबन, दुबदुलीचा, पश्चिम चौगान। और याद करने में सहज है, पूर्व में भी तीन है, सात घाट, जमुना जी, अक्षरधाम। दक्षिण में भी तीन है, कुंजनी कुंजमन, हौजकोस्टर तालाब, चौबीस रास का महल। पश्चिम में भी तीन है, अन्नबन, दुबदुलीचा, पश्चिम चौगान। ठीक है, अब देखिए एक बार, अन्नबन, दुबदुलीचा, पश्चिम चौगान, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा में शब्द क्या क्या है? बड़ोवन, मधुबन, महाबन, पुखराज जी। अब इसको देखते हैं, ये उत्तर दिशा की तरफ जैसे लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़बन, यहां तक पहला परिक्रमा में कहा। अब ये लाल चबूतरा से उत्तर दिशा की तरफ यहां बन दिखाई दे रहा है ना, ये बन है और ये पुखराज जी है। तो ये लाल चबूतरा और पुखराज जी के बीच में तीनों वन एक साथ में है। एक साथ में मतलब लाल चबूतरा से पुखराज जी की तरफ जाते समय पहले बड़ो वन, उसके बाद मधुवन, फिर उसके बाद महावन। अब बड़ो वन, मधुवन, महावन किस रूप में है इसका विस्तार वर्णन तो बाद में होगा, लेकिन अभी खाली लोकेशन के विषय में बात कर रहे हैं। तो रंग महल की तरफ से लाल चबूतरा होते हुए पुखराज जी की तरफ उत्तर तरफ जाते समय क्रमशः बड़ोवन, मधुवन और महावन है, और ये पुखराज जी हुआ। अब साथ में आपकी जानकारी के लिए ये भी बता के रखता हूं, ये एरिया तो हमने बताया बड़ोवन, मधुवन, महावन और पुखराज जी करके। अब इसी में ये पुखराज जी को चारों तरफ से घेर करके इस तरफ जो विस्तार हुआ है, और इतना ही नहीं, ये पूर्व दिशा की तरफ आकर के और ये अक्षरधाम को भी चारों तरफ से घेर करके यहां कुंज निकुंज वन के ये सीमाना तक, यहां तक पूरा ये बड़ोवन, मधुवन, महावन का ही विस्तार है। ये भी आप दिल दिमाग में बिठा करके रखिए, लोकेशन तो बड़ोवन, मधुवन, महावन का उत्तर दिशा करके कहा, मूल रूप में उत्तर दिशा में है। अब यहां से विस्तार हुआ तो ये पूरा उत्तर और पश्चिम एरिया भी गया। देखिए तो पश्चिम चौगानिया है और यहां तक पश्चिम एरिया तक भी बड़ोवन, मधुवन, महावन है, और उत्तर दिशा पूरा विस्तार होकर के पूर्व दिशा की तरफ से भी देखिए तो
रंगमहल के एरिया से भी दक्षिण दिशा की तरफ ये पूर्व में आया है ना, तो ये बड़ुवन मधुवन महावन है। तो फिर अब पूर्व की तरफ आए तो वही सात घाट जमुना जी अक्षरधाम जो पहले ही कहा है। तो ये हुआ रंगमहल के दूसरी परिक्रमा। ठीक है, अब मैं फिर एक बार चारों तरफ के शब्द उच्चारण करता हूं, आपको वहां नक्शा में देखना होगा दूसरी परिक्रमा को ही। अब देखिए, रंगमहल के दूसरी परिक्रमा पूर्व में सात घाट, मैंने शब्द बोला, आपको वहां नक्शा में देखना पड़ेगा, सात घाट जमुना जी अक्षरधाम देख लिए। अब आपने जो देखा वो सही है या नहीं है खुद करेक्शन करिए, मैं यहां से दिखा देता हूं। सात घाट जमुना जी अक्षरधाम, दक्षिण दिशा में देखिए कुंजनी कुंजवन हाउस कौशर तलाव चौबीस सांस का महल। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूं, कुंजनी कुंजवन हाउस कौशर तलाव चौबीस सांस का महल, सही है ना। अब पश्चिम दिशा में चले, पश्चिम में देखिए अन्नवन दुबदुलीचा पश्चिम चौगान। अब देखिए अन्नवन दुबदुलीचा पश्चिम चौगान। अब उत्तर दिशा की तरफ चलिए, उत्तर में बड़ोवन मधुवन महावन, पूरा विस्तार सहित देखिएगा कहां तक गया है। पश्चिम चौगान के उत्तरी किनार से लेकर के पूरा पुखराज जी को चारों तरफ से घेर करके पूर्व दिशा की तरफ फैल करके अक्षरधाम के चारों तरफ भी वही वन विस्तार हुआ है। देख लिया ना, मतलब ये उत्तर दिशा से ये बड़ोवन मधुवन महावन पूरा विस्तार होकर के यहां तक आया, बड़ोवन मधुवन महावन और पुखराज जी, पुखराज जी तो है ही। तो इतना हुआ तो दूसरी परिक्रमा का लोकेशन भी देख लिए, दिल दिमाग में बैठ गया। तो क्या क्या हुआ अब तक, रंगमहल पहला परिक्रमा और दूसरी परिक्रमा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं तीसरी परिक्रमा में। तो तीसरी परिक्रमा शब्द क्या है, जबेरों की नहर। तो उसके लिए हमने पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर करके डायरेक्शन अलग नहीं किया है, तीसरी परिक्रमा जबेरों की नहर। तब इसका कारण क्या है, अब देखिए, तो रंगमहल हुआ, पहला परिक्रमा हुआ, दूसरी परिक्रमा हुआ, तो याद करिए ये पूरा दूसरी परिक्रमा के एरिया ने ये पश्चिम चौगान से लेकर के बड़ोवन मधुवन महावन के एरिया से लेकर के अक्षरधाम का ये पूरा अंदर के एरिया कवर किया ना। तो अब तीसरी परिक्रमा मतलब ये दूसरी परिक्रमा के एरिया से बाहर, तो ये देखिए, तो ये लाल कलर का जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, चारों तरफ एक समान है कि नहीं, है ना। तो ये है तीसरी परिक्रमा जबेरों की नहर का लोकेशन, चारों तरफ एक समान है। अब यहीं पर मैं एक बात बता देता हूं, ये जबेरों की नहर से अब आगे बड़ीरांग तक ये पूरा परमधाम 32 पहल में विभाजन हुआ है। अब पहल को हांस भी बोलते हैं, अब ये हांस क्या है पहल क्या है ये हम रंगमहल का वर्णन प्रारंभ करते समय, उससे पहले ही ये परमधाम वर्णन प्रसंग में मुख्य मुख्य शब्द जो जानकारी लेना होता है उस समय में और खुलासा करेंगे। लेकिन पहल जैसे ये कमरा कितने पहल में है, चार पहल में है ना। तो ये जबेरों की नहर से बाहर 32 पहल में है, तो जबेरों की नहर का एरिया भी 32 पहल में है। यहां से बाहर माणिक पहाड़ का हद कहा, तो माणिक पहाड़ का हद के एरिया भी 32 पहल में है। वहां से बाहर बंद की नहर के एरिया भी 32 पहल में ही है। छोटी रांग भी 32 पहल में है, बड़ी रांग भी 32 पहल में है। तो इसको भी यहीं से मैं बता ही देता हूं, जैसे ये तीसरी परिक्रमा में
जबिरुकी ने हेर करके कहा, ठीक है। अब देखिए पहल मतलब ये एक पहल है, ये दो पहल, ये तीन पहल, इस तरह से है ना। तो यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ से गिनती शुरू कर रहा हूँ। जैसे ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस, ठीक, 32 पहल जिसको बोलते हैं। जबरू की नहर से ही अब ये बाहर तरफ परम नाम 32 पहल में है। तो ये तीसरी परिक्रमा जबरू की नहर के साथ में वो 32 पहल को भी यहां समझना होता है। अब तीसरी परिक्रमा जबरू की नहर बोलते ही दिमाग में बैठ गया ना। चलो अब हम चलते हैं चौथी परिक्रमा। तो चौथी परिक्रमा का नाम क्या है? माणिक पहाड़ का हद कहां है? माणिक पहाड़ का हद, अब किस अर्थ में माणिक पहाड़ का हद है और उसका लोकेशन क्या है, इसको भी हम देखेंगे। तो माणिक पहाड़ का हद यानी कि चौथी परिक्रमा, ये यहां यहां के नक्शा के हिसाब से देखें तो ये लाल रंग में जबरू की नहर है, यहां से बाहर ये हरा रंग है ना, ये हरा रंग का एरिया, ये है माणिक पहाड़ का हद। लाल से बाहर, पीला से अंदर, ये एरिया जो है ये माणिक पहाड़ का हद है। ये भी 32 पहल में है। अब जिस तरह से मैंने ये जबरू की नहर के लिए 32 पहल करके गिनती किया, तो देखिए तो ये जिस तरह से एक पहल में है ये भी उसी तरह से है ना, इसके सामने भी ये भी है। तो अब इसको गिनती करने की जरूरत नहीं है, आपको जबरू की नहर के हिसाब से सीधा देखने से ही मालूम पड़ेगा माणिक पहाड़ का हद भी 32 पहल में है। अब ये चौथी परिक्रमा को माणिक पहाड़ का हद करके ये नाम क्यों दिया अथवा क्यों ये नाम रहा? तो इसका कारण है, जबरू की नहर तो 32 पहल में ही एक समान है, इसलिए सीधा जबरू की नहर करके तीसरी परिक्रमा का नाम रहा। लेकिन ये चौथी परिक्रमा में जो माणिक पहाड़ का हद है, पूरा माणिक पहाड़ का हद तो 32 पहल में ही है। 32 पहल में से माणिक पहाड़ रंगमहल के दक्षिण दिशा में एक पहल में ही है। समझ में आई बात? माणिक पहाड़ का हद कहने से पूरा 32 पहल का एरिया ही, यानी कि चारों तरफ का एरिया ही आता है, उसमें से एक पहल में माणिक पहाड़ की शोभा है, ठीक। तो एक पहल किस दिशा में? रंगमहल से दक्षिण दिशा में ये माणिक पहाड़ है, और अन्य 31 पहल में वन की शोभा है, उसमें भी अब बड़ो वन मधुवन महावन ही है। तो एक शब्द में देखे तो वनों की शोभा है। तो ये माणिक पहाड़ के नाम से ये मुख्य नाम रहा, और यही माणिक पहाड़ के एरिया होने से इसको माणिक पहाड़ का हद करके चौथी परिक्रमा को लिया, ठीक है। तो चौथी परिक्रमा भी समझ गए। अब यहां माणिक पहाड़ करके ये नक्शा में तो दिखाया, लेकिन एक बात मैं यही बता के रखता हूं, ये नक्शा का आप अच्छी तरह से देखेंगे तो इसने तो ये अंदर जबरू की नहर करके जो कहा है ना, जबरू की नहर के एरिया को भी कवर किया है, और माणिक पहाड़ का हद तो इतना ही है। अब इसके बाद बाहर जो ये पीला रंग का है, ये तो वन की नहर की एरिया है, यहां से भी बाहर जाए तो ये छोटी रंग यानी कि छठी परिक्रमा का एरिया है। तो ये नक्शा को सीधा देखेंगे तो जबरू की नहर, माणिक पहाड़ का हद, वन की नहर, छोटी रंग, पूरा एरिया में माणिक पहाड़ दिखाई देता है। ये नक्शा यहां थोड़ा बड़ा रूप में माणिक पहाड़ को दिखाने के लिए इस तरह से यहां बना है, लेकिन ये अपने हद के एरिया के अंदर ही है। इस नक्शा को ये अपने हद के एरिया के अंदर ही समझ लीजिए। बाद में फिर नक्शा देखते समय माणिक पहाड़ तो पूरा जबरू की नहर से लेकर के छोटी रंग तक बना है क्या, ऐसा कंफ्यूज न हो, इसलिए इस बात को भी मैं क्लियरली बता रहा हूं। नक्शा को थोड़ा बड़ा रूप में दिखाते समय इतना एरिया कवर हुआ, लेकिन अपना एरिया ये माणिक पहाड़ का हद का ही है।
तो ये भी जान गए। तो चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़ का हद, ये भी दिमाग में बैठ गया। चलो अब चलते हैं हम पांचवी परिक्रमा में। तो पांचवी परिक्रमा का नाम क्या है? बन की नहर। तो नक्शा में देखिए बन की नहर, ये पीला रंग का एरिया जो चारों तरफ घूम करके आया है, ये बन की नहर है। ये भी हुआ। उसके बाद छठी परिक्रमा जिसका नाम छोटी रांग है, उसका दूसरा नाम चारहार हवेली है। तो बन की नहर से भी बाहर छठी परिक्रमा छोटी रांग, तो ये बन की नहर हुआ। तो इससे बाहर ये एरिया छोटी रांग चारहार हवेली, ठीक है, तो ये हुआ। अब उसके बाद बड़ी रांग सातवीं परिक्रमा, और ये अंतिम परिक्रमा है। तो बड़ी रांग जो है ये चारहार हवेली छोटी रांग से बाहर, ये जो बाकी जो एरिया है ये पूरा, ये बड़ा एरिया, ये बड़ी रांग है, ठीक है। तो अब मैं तीसरी परिक्रमा से लेकर के सातवीं परिक्रमा तक यहां से शब्द उच्चारण करूंगा, आपको वहां नक्शा में देख करके उसको दिल दिमाग में सेट करना होगा, ठीक है। रंगमहल पहला परिक्रमा और दूसरा परिक्रमा के लिए पहले अभ्यास किया है, अब तीसरी परिक्रमा जवेरों की नहर, देखिए तीसरी परिक्रमा जवेरों की नहर को, और साथ में 32 पहल कहा है जवेरों की नहर से ही, तो ये भी देख लिया, ठीक है। तो ये जवेरों की नहर है। चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़ का हद, पहले तो माणिक पहाड़ को देखिए, माणिक पहाड़ और उसका हद, तो माणिक पहाड़ मतलब ये और इसका हद मतलब ये, ठीक है। अब उसके पश्चात पांचवी परिक्रमा बन की नहर, बन की नहर को देखिए यहां, तो ये है बन की नहर, ठीक है। अब इसके पश्चात छठी परिक्रमा छोटी रांग चार हार हवेली, देखिए इसमें ये है छोटी रांग चार हार हवेली, ठीक है। अब सातवीं परिक्रमा बड़ी रांग, ये सातवीं परिक्रमा बड़ी रांग है, सात परिक्रमा पूरा हुआ, और उसमें आठ सागर आठ जिमी, वो तो पहले ही बताया, फिर भी अगर बता दूं तो अग्निकोण में नूर सागर, दक्षिण दिशा में नीर सागर, नैऋत्य कोण में क्षीर सागर, पश्चिम दिशा में दधि सागर, वायव्य कोण में घृत सागर, उत्तर दिशा में मधु सागर, ईशान कोण में रस सागर, पूर्व दिशा में सर्वरस सागर, और एक सागर के बाद फिर जमीन सागर जमीन, इस क्रम से आठ सागर आठ जमीन। तो कल हमने जो तीन पॉइंट में जो विषय चर्चा किया था, 25 पक्ष का नाम, आठ दिशा, रंगमहल का सात परिक्रमा, इसको आज हमने इस तरह से नक्शा से देखा। अब मैंने कहा था कि पहले 25 पक्ष का लोकेशन देखा फटाफट, लेकिन ये 25 पक्ष का लोकेशन अभी दिल दिमाग में नहीं भी बैठ गया हो तो सात परिक्रमा प्रसंग नक्शा से देखने के बाद, दिल दिमाग में बैठने के बाद 25 पक्ष लोकेशन अपने आप याद हो जाता है करके कहा था ना। अब देखिए सात परिक्रमा के अंदर ये नक्शा में जो कुछ भी है, कुछ छूटा कुछ नहीं छूटा ना, सब कुछ तो आया। तो रंगमहल से लेकर के पहला परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा, चौथी परिक्रमा, पांचवी, छठी, सातवीं करके ये नक्शा के अंदर जो कुछ भी है सारा सात परिक्रमा के अंदर आया। तो 25 पक्ष परमधाम के अंदर जो कुछ भी है, ये सात परिक्रमा के अंदर जो जो नाम आया बस इतना ही है। अब इसके अंदर एक एक पक्ष, एक एक स्थान का विस्तृत वर्णन आगे हम चर्चनी पाठ का नक्शा और वृत्ति का वर्णन के आधार पर करेंगे, लेकिन
वो वृत्ति का वर्णन को और पाठ के नक्शा को समझने के लिए पहले हम यहां बोर्ड में ही नक्शा बना करके उसको शब्द में भाषा में व्याख्या करके दिल दिमाग में बिठाने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद नक्शा से देख करके वृत्ति के शब्द से अध्ययन करके उसको पूरी तरह से हृदय के अंदर एक छाप बिठाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा 7 परिक्रमा के अंदर सब कुछ आया। अब फिर से मैं एक बार 25 पक्षे का नाम उच्चारण करता हूं जो आपको अपने आप यहां दृश्य समझ में आना पड़ेगा। जैसे 25 पक्षे में फिर से देखिए, धाम मतलब रंग महल, ये रंग महल हुआ, तालाव हाउस गोस्टर तालाब, यह हाउस गोस्टर तालाब हुआ जो दूसरी परिक्रमा में आया, रंग महल से दक्षिण दिशा में आया। अब तो इस तरह से भाषा विस्तार होने लगा ना, पहले खाली हमने हाउस गोस्टर शब्द ही प्रयोग किया, अब 7 परिक्रमा का लोकेशन पता चलने के बाद हाउस गोस्टर शब्द उच्चारण होते ही रंग महल के दक्षिण दिशा में दूसरी परिक्रमा में, उससे भी और ज्यादा विस्तार करके बोलना हो तो कुंजनी कुंज वन के बीच में, उससे भी अगर नहीं पहुंचा तो बोल दीजिए फिर माणिक पहाड़ से उत्तर दिशा में। माणिक पहाड़ के लोकेशन से देखेंगे तो हाउस गोस्टर किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है ना। तो इस तरह से अपने आप वो खुलता जाता है, विस्तार होता जाता है। धाम तालाब, तीसरा पक्ष कुंजवन, तो कुंजनी कुंजवन कहाँ है, हाउस गोस्टर के चारों तरफ ये फैला हुआ कुंजनी कुंजवन है, रंग महल के दक्षिण दिशा में है। माणिक, माणिक पहाड़ रंगमहल का दक्षिण दिशा चौथी परिक्रमा में 32 पहल में से एक पहल में माणिक पहाड़। नहरे बनकी, बनकी नहर, ये रंगमहल का 5वीं परिक्रमा में है। पश्चिम चौगान, ये रंगमहल से पश्चिम दिशा में पश्चिम चौगान। बड़ोवन, रंगमहल से उत्तर दिशा में, लाल चबूतरा से भी उत्तर दिशा बड़ोवन। अब बड़ोवन शब्द आते ही साथ में मधुबन महावन और ये पूरा घेर करके पूर्व दिशा तक ये सारा एरिया खुल रहा है ना। बड़ोवन पुखराज जी, देखिए रंगमहल के उत्तर दिशा में पुखराज जी, और जमुना जी तो ये रंगमहल के पूर्व दिशा, अक्षरधाम से देखेंगे तो पश्चिम दिशा, दोनों के बीच से जमुना जी, ये 9 पक्षे हुआ। फिर 8 सागर 8 जिमी के ये 25 पक्ष धाम धनी के, ये है 25 पक्ष। तो कुल मिलाकर के ये नक्शा के द्वारा अब तक हमने जो शब्दावली के ऊपर चिंतन किया, वर्णन किया, 25 पक्ष का नाम और लोकेशन, शब्द भी याद होना पड़ेगा, नक्शा से लोकेशन भी क्लियर होना पड़ेगा, और शब्द और नक्शा दोनों अपने दिल दिमाग में हृदय में छाप बैठना पड़ेगा, तब जा करके ही चितौनी के लिए सहज पड़ता है। नहीं तो फिर अब थोड़ा चितौनी के लिए ध्यान के लिए बैठूं करके बैठा, शब्द तो याद नहीं है, अब क्या नोटबुक लेकर के बैठेंगे और शब्द तो जैसे तैसे याद किया, नक्शा तो दिल दिमाग में क्लियर नहीं है, लोकेशन डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो क्या सामने में नक्शा लेकर के बैठेंगे। शुरुआती अवस्था में तो ऐसा भी करना बहुत अच्छी बात है, हाँ, इसका मतलब फिर ये नहीं कि एकदम नोट ले लिए बिना बैठिए, नक्शा लिए बिना बैठिए, शब्द ही याद नहीं है, नक्शा से लोकेशन ही याद नहीं है, तो उल्टा पुल्टा करने से अच्छा तो नोट के शब्द के सहारे नक्शा के सहारे करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी इतनी होनी चाहिए कि चितौनी के लिए ध्यान के लिए बैठने से पहले ही ये सारा शब्दावली लोकेशन दिल दिमाग में छाप बैठ जाए। तब आगे मैंने पहले ही उदाहरण में बताया हूं आम और गुलगुल, आम की तरह उस विषय में पूरा जानकारी हो, सहजता से हम चितौनी में अंदर डूब सकते हैं, ध्यान में डूब सकते हैं। ठीक है, 25 पक्ष का लोकेशन की बात हुई और डायरेक्शन और 7 परिक्रमा।
मैं घुमा फिरा करके बार बार उसी को रिपीट कर करके बोल रहा हूं। आपको ऐसा नहीं लगे कि एक ही बार कितनी बार दोहरा करके बोल रहे हैं? कितने जने तो बोल रहे थे चर्च नहीं कब पूरी होगी, हमको पूरी करना नहीं है। ये तो जीवन का अंतिम निचोड़ विषय है, अब इसको भी पूरी करने के चक्कर में लगेंगे। अभी भूमिका पूरी नहीं हुई है और कितने जने को चर्च नहीं पूरी करने के चक्कर में लगा हुआ है। पूरी हम कभी नहीं करेंगे, जिंदगी पूरी होगी, चर्च नहीं पूरी नहीं होगी। लेकिन आपको अगर पूरी करने के हिसाब से अगर हो तो बोलिए, फिर मैं तो दो दिन में पूरा कर देता हूं। लेकिन हमारा प्रयास है कि एक एक चीज को दिल दिमाग में बिठा सके, ताकि ध्यान के लिए, चितवनी के लिए सहज हो, और वाणी में परमधाम परक चौपाई आते समय उसके अंदर पूरा डूब सके। इसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। चलो, तो ये 25 पक्ष डायरेक्शन और 7 परिक्रमा। कल हमने शब्द के ऊपर चिंतन किया, आज हमने इसको नक्शा से देखा। चलो, मैं एक पॉइंट थोड़ा सा नोट करा देता हूं। वैसे तो व्याख्या हो चुका है, मैं खुद यहां पर नोट ना करूं तो फिर आपको अच्छा ये नोट करना चाहिए था ये भी मालूम नहीं पड़ेगा, इसीलिए वैसे तो यहां से हो चुका है, फिर भी उसको थोड़ा सा दिल दिमाग में बैठाने में सहज हो उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं यहां थोड़ा नोट कराने का प्रयास कर रहा हूं। आर सागर की बात, कल हमने ऐसे नक्शा बना करके पहले 8 दिशा के विषय में चर्चा किया था ना, तो 8 दिशा में ये क्या है? पूर्व। खाली मैं यहां पू ही लिख रहा हूं, ये पूर्व, और ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण, और ये अग्निकोण, और ये नैऋत्य कोण, और ये वाहेव्य कोण, और ये ईशान कोण। 8 दिशा हुआ और 8 सागर की बात आई। वैसे हमने यहां बता चुके हैं, लेकिन उसको यहां शब्द थोड़ा सा नोट करने के लिए आपको सहज हो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो पूर्व दिशा से पहले हम अग्नि कोण में आएंगे, और 8 सागर का नाम तो क्रमशः याद है ही, नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्वरस करके। अग्नि कोण से शुरू करना है और 8 सागर का नाम क्रमशः रखना है। तो नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्वरस, बस हो गया है ना। फिर भी मैं नोट करा देता हूं, अग्नि कोण में नूर सागर, दक्षिण दिशा में नीर सागर, नैऋत्य कोण में क्षीर सागर, पश्चिम दिशा में दधि सागर, वाहेव्य कोण में घृत सागर, उत्तर दिशा में मधु सागर, फिर ईशान कोण में रस सागर, और पूर्व दिशा में सर्व रस सागर। ये हुआ 8 सागर। यहां तक तो ये नक्शा के द्वारा भी हमने बता चुके हैं, उसी चीज को खाली मैं यहां शब्द नोट करा रहा हूं। अब ये 8 सागर का नाम और लोकेशन हो ही गया, तो इसमें और जानकारी के लिए एक दो पॉइंट में जोड़ ही देता हूं। ये 8 सागर का रंग है, अलग अलग सागरों के अलग अलग रंग है। तो उसमें देखें तो ये नूर सागर जो है, नूर सागर का रंग श्वेत रंग है, श्वेत मतलब सफेद रंग। नीर सागर का रंग है लाल रंग, लाल, और क्षीर सागर का रंग है पीला, दधि सागर का रंग है हरित, घृत सागर का रंग है आसमानी, और मधुसागर का रंग है श्याम, रस सागर का रंग है दस रंग, और सर्वरस सागर का रंग है अनंत रंग। तो ये रंग के विषय में भी थोड़ा सा जानकारी हो, ठीक है। अब
यहां आरसागर में रंग बताया शब्द में, यहां नक्शा में देखिए तो नूर सागर सफेद है ना, श्वेत। दक्षिण दिशा में नीर सागर लाल रंग, नैऋत्य कोण में क्षीर सागर पीला रंग, पश्चिम दिशा में दधि सागर हरित रंग, वायव्य कोण में घृत सागर आसमानी रंग, उत्तर दिशा में मधु सागर श्याम रंग, ईशान कोण में रस सागर दस रंग, पूर्व दिशा में सर्वरस सागर अनंत रंग। देखिए तो यहाँ पर कलर भी मिक्सिंग है ना। एक जन ने नक्शा देखा और बोल रहा था यहाँ पर थोड़ा सा पेंटर ने बिगाड़ दिया ना, देखिए तो इधर कितना क्लियर है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है करके बोल रहा था। ऐसी बात नहीं है, ये दस रंग दिखाया है और ये अनंत रंग दिखाया है, ये आर सागर का रंग हुआ। और इसी में दूसरा भी बताई देता हूं, जमीन का रंग। तो नूर सागर का सफेद रंग है, नीर सागर का लाल रंग है, तो दोनों सागर के बीच का जो जमीन है आधा सफेद आधा लाल है। फिर ये नीर सागर लाल रंग है, क्षीर सागर पीला रंग है, तो दोनों सागर के बीच का जमीन आधा लाल आधा पीला। तो इस तरह से जमीन का भी रंग का वर्णन है। ये हुआ आर सागर के लिए डायरेक्शन, सागर का नाम और रंग। अब इसी में एक बात और जोड़ देता हूं, परिक्रमा ग्रंथ में बड़ीरांग का आर सागर का वर्णन हुआ है। ये नूर नीर शीर दधि घृत मधुरस सर्वरस करके ये आर सागर का जो वर्णन है ना, ये बड़ीरांग का है जो परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन है। परिक्रमा ग्रंथ के बाद फिर सागर ग्रंथ है, तो सागर ग्रंथ में भी आर सागर का वर्णन है। तो ये सागर ग्रंथ का आर सागर रंग महल के अंदर का मूल मिलावा का सागर है। वैसे इस विषय में विस्तृत चर्चा तो अब मूल मिलावा के वर्णन में अथवा बाद में चौपाई के द्वारा चिंतन करते समय परिक्रमा ग्रंथ के बाद सागर ग्रंथ में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी बात जोड़ रहा हूं कि ये नूर नीर शीर दधि घृत मधु रस सर्वरस आर सागर का नाम ये भी है। सागर ग्रंथ में फिर आर सागर का नाम है तो उसको बातुनी सागर करके बताया। तो ये बातुनी सागर जो है, यहां बड़ीरांग में नूर सागर जो है वही मूल मिलावा में बातुनी सागर में पहला सागर नूर का करके ही सागर ग्रंथ में आया है, लेकिन उसको जोश का सागर कहते हैं। और बड़ीरांग में जो दूसरा सागर नीर सागर है, ये मूल मिलाव के अंदर सागर ग्रंथ में दूसरा सागर का वर्णन हुआ है, तो दूसरा सागर का नाम है शोभा का सागर। तो ये नीर सागर का ही बातुनी सागर मूल मिलाव के अंदर शोभा का सागर है। फिर ये क्षीर सागर नैऋत्य कोण में जो है बड़ीरांग में, उसी का बातुनी सागर मूल मिलाव के अंदर एक दिली रोहन का, मतलब एक दिली का सागर करके आता है, ये बातुनी सागर है। और बड़ीरांग में पश्चिम दिशा में जो दधि सागर है, वही दधि सागर का बातुनी सागर मूल मिलाव के अंदर जुगल स्वरूप का सिंगार का सागर करके सागर ग्रंथ में वर्णन हुआ है। और बड़ीरांग में वाहेब्य कोण में जो घृत सागर है, ये घृत सागर का बातुनी सागर मूल मिलावा के अंदर इशक का सागर बातुनी सागर में। और बड़ीरांग में उत्तर दिशा में जो मधु सागर है, मधु सागर का बातुनी सागर मूल मिलावा के अंदर इलम का सागर। और बड़ीरांग में ईशान कोण में रस सागर है, रस सागर का बातुनी सागर मूल मिलावा में निश्वत का सागर यानी कि सनमंद का सागर। और बड़ीरांग में पूर्व दिशा में जो सर्वरस सागर है, ये सर्वरस सागर का बातुनी सागर मूल मिलाव के अंदर मेहर का सागर। तो मेहर सागर में जो और सागर जो मेहर का करके शुरू होता है ना, तो ये मेहर का सागर मूल मिलाव के अंदर है जो बड़ीरांग में सर्वरस सागर का बातुनी सागर है। तो इस तरह से बातुनी सागर के नाम से भी सागर का वर्णन हुआ है, उसके साथ में भी ये बड़ीरांग का ही आर सागर का सनमंदर है। इसीलिए ये भी मैं थोड़ा सा यहां पर नोट करा दूं, तो जैसे नूर सागर का बातुनी नाम क्या कहा, वैसे सागर ग्रंथ में नूर सागर के नाम से ही है, परंतु इसको जोश का सागर कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण दिशा में जो नीर सागर है, नीर सागर का बातुनी नाम क्या कहा,
शोभा का सागर, मूल मिलाव के अंदर है ये बातुनी सागर, और नैऋत्य कोण का क्षीर सागर का बातुनी नाम एक दिली का सागर, एक दिली, और पश्चिम दिशा में दधी सागर है, दधी सागर का बातुनी वो पूरा नाम तो जुगल स्वरों का श्रृंगार करके आया है, लेकिन यहां शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं श्रृंगार। और वाहव्य कोण का घृत सागर का बातुनी ईशक का सागर, और उत्तर दिशा का मधु सागर का बातुनी नाम इलम का सागर, और ईशान कोण का रस सागर का बातुनी नाम निशवत, और पूर्व दिशा का सर्वरस सागर का बातुनी नाम मेहर। इस तरह से आठ सागर बातुनी नाम से भी है। अब सार रूप में मैं इस विषय में बताऊं तो प्रत्येक सागर को चार पॉइंट में याद करना पड़ेगा। देखिए हाँ, मैं एक सागर के लिए बताऊंगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं। चार पॉइंट क्या क्या है? एक है डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब जैसे देखिए तो अग्निकोण, ये डायरेक्शन हुआ ना, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अग्निकोण में कौन सा सागर? नूर सागर, तो ये नूर सागर दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट, नूर सागर का रंग क्या है? सफेद, श्वेत रंग, तीसरा पॉइंट हुआ। और चौथा पॉइंट, नूर सागर का बातुनी नाम क्या है? जोश का सागर, तो ये हुआ ना डायरेक्शन, सागर का नाम, उसका रंग और बातुनी नाम। जैसे अग्निकोण में नूर सागर का श्वेत रंग, बातुनी नाम जोश का सागर, तो चार पॉइंट में हुआ ना। ऐसे ही अब फटाफट देखिए, दक्षिण दिशा नीर सागर लाल रंग, बातुनी नाम में शोभा का सागर। नैऋत्य कोण में क्षीर सागर पीला रंग का है, बातुनी सागर एक दिले का सागर। पश्चिम दिशा में दधी सागर हरित रंग का है, बातुनी में श्रृंगार का सागर है। वाहव्य कोण में घृत सागर है, आसमानी रंग का है, ये बातुनी सागर में ईशक का सागर है। उत्तर दिशा में मधु सागर श्याम रंग का है, बातुनी नाम इलम का सागर है। ईशान कोण में रस सागर का दश रंग है, बातुनी नाम निश्वत का सागर है। पूर्व दिशा में सर्वरस सागर अनंत रंग का है, बातुनी नाम मेहर सागर है। तो इस तरह से बड़ी रंग में आठ सागर का प्रसंग में ये भी चिंतन करें तो अच्छा है, ठीक है। तो अब आज का हमारा समय पूरा हुआ, तो आज हमने समग्र में कल जो तीन पॉइंट में 25 पक्ष का नाम, डायरेक्शन और सात परिक्रमा जो नोट किया था उसको हमने नक्शा से देखा, और इसी में बड़ी रांग में आठ सागर का प्रसंग में ये मैंने नक्शा के साथ में शब्दावली चार पॉइंट में नोट कराया हूँ। इसको याद करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, दिल दिमाग में बिठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।